सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस एंड नमस्ते फ्रॉम जय देवभूमि उत्तराखंड। और आज मैं आया हूँ आपको घुमाने। ये है वो जगह जहाँ हमारे गांव में पानी आता है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पानी आता है। ठीक है, तो यार ये हमारा बड़ा ही एक प्रयास था गाँव में पानी लाने का, स्टार्टिंग में जब किया था हमने। और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे गाँव की रोड जो कि बैजरों से बैड़ा तक कटी हुई है। ठीक है, और ये जब रोड आई थी तो हमारे इधर यहाँ पे पाइप थे हमारे पानी के, है ना। तो वो पाइप जो है वो टूट चुके थे और फिर हमें काफ़ी दिक्कत आई थी पानी के लिए। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमने फिर क्या क्या तैयारियाँ की थी, है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार। एंड स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से है, एक टंकी है हमारे गाँव की पानी की और उस पर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है गांव की मेन टंकी। ठीक है, ये और ये है पाइप जिसके रास्ते से पानी आता है ऊपर से। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या सीन है। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ये है हमारे गांव की पानी की टंकी जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं। और यार ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें तो इसको प्रणाम करना चाहिए कि यार हाँ हम आज इसकी वजह से जीवित हैं ना। तो आप देख सकते हैं, ये है वो जगह जहाँ पे 12 महीने पानी आता है, यानी कि 12 मास यहाँ से पानी आता रहता है ऊपर से। ये ऊपर ये आप देख सकते हैं बांस के पेड़ है। ठीक है, और यहाँ से आता है पानी ठीक नीचे यहाँ पे, और ठीक इसी प्रकार एक यहाँ पर भी बनाया हुआ है हमारे गाँव वालों ने। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके क्या होता है हमारे पहाड़ों में पानी के लिए। ये ऊपर से पानी आ रहा है और उसके बाद फिर ये जो आप देख सकते हैं पानी बह रहा है, और यहीं से हमारा जो पानी जो जाता है क्लियर होके ये पाइप के ज़रिए सीधे हमारे टैंकियों में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का सीन। ऊपर है बांज के पेड़, काफ़ी ठंडा पानी आता है। ठीक है, ये है बांज का पेड़, और इससे ऊपर भी एक टंकी है, उसका वीडियो मैं कभी बनाऊंगा आपके लिए टाइम मिलेगा तो। और बाकी तो आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ है, पेड़ हैं चीड़ के, और साथ में रोड भी है, तो रोड से बिल्कुल टच में है ये पॉइंट, टच पॉइंट हम कह सकते हैं इसे। और आगे दिखाता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पानी के तालाब, छोटे छोटे जो डंडियाँ होती हैं ना पहाड़ में कहते हैं मैंने, छोटे छोटे डंडियाँ हैं ना, तो ये डंडियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। और ये बिल्कुल साफ़ होता है, 12 महीने इनमें पानी रहता है, और ये काफ़ी ऊपर से आते हैं आप देख सकते हैं। मैं आपको और क्लोज जाके थोड़ा दिखाता हूँ ये सीन, है ना। तो आप देख सकते हैं वो पूरा जहाँ से मेरा हाथ जा रहा है ना, पूरा वहाँ से आता है पानी, और ये पानी ना 12 महीने लगा रहता है ना, और हमेशा ठंडा रहता है। ये कभी ऐसा नहीं है कि गर्मी के टाइम पे ये सूख जाएगा या गर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है हमारे पहाड़ों में, ऐसा कुछ सीन नहीं होता है, तो ये हमेशा ठंडा रहता है ना। और आप देख सकते हैं ये रहा कुछ फुल व्यू। ठीक है, और ये थी टंकी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं यार, पहाड़ी लोग कैसे कैसे अपना जीवन यापन जीते हैं यहाँ पे, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्हें होती है ना। और एक और चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में कवर करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, इसी वीडियो में मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। कहने लगा हुआ है ना, ना ना कह गो बेटी। अच्छा, और दोस्तों ये थी हमारी पानी की टंकी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब मेरे को एक और पार्ट आपको दिखाना है इस वीडियो में, पहाड़ी जीवन शैली का है, दिखाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये है कच्ची रोड, और देखिए यहाँ कितना डिफिकल्ट है, ये है रोड। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर जो दिख रहे हैं, इनका खतरा जो है ना, बाय गॉड इतना भयंकर तरीके से अगर ये अटके हुए हैं ना वहाँ पे। अभी एक बैक कैमरे के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
ये हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पेड़ बिल्कुल कैसे अटके हुए हैं, बिल्कुल किनारे पे आके रुके हुए हैं। यदि अगर हल्की सी भी बारिश हो गई तो ये ठीक नीचे आके रुकेंगे रोड पे, और यदि कोई टैक्सी उक्सी जा रही होगी तो भाई भगवान ही उसका बता सकता है कि क्या होगा, है ना। फिलहाल आप देख सकते हैं आसपास का व्यू, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं इसीलिए आया था यहाँ पर कि आपको एक वीडियो दिखा दूँ, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। एंड दोस्तों, पहाड़ का टाइम पे तर इस टाइम पे मैं बताऊँ तो यार करीब करीब तो यार 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और इस ठंड में हम लोग शाम के वक्त कैसे अपना जीवन जीते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे पूरे वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल होती है ना। तो यार अब वक्त आ चुका है कि आप लोगों से विदा लूँ, और मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।